हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है जीके भाई योगेश्वर चैनल में फिर से आपका। तो बेटा, कल हमने एक संविधान की पहली वीडियो जो अपलोड की थी कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान में क्या क्या फैक्ट होते हैं और कैसे इसका बनना आरंभ हुआ था, संविधान की जरूरत किसी देश को क्यों पड़ती है, किसी देश का संविधान क्या है। तो उसमें आज जो हम आगे उसी वीडियो को लेके चलते हैं, तो आज सेकंड वीडियो होगी। तो बेटा कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंस्पायरेशंस जो वर्ड्स होते हैं जो हमें आगे की ओर अग्रसर करते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे किसी कवि ने कहा है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डाली पर बैठा परिंदा डाली की कमजोरी या उसके हिलने से नहीं डरता, क्योंकि उसे डाली पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास होता है। तो बेटा, हमें अपने ऊपर हमेशा विश्वास होना चाहिए। जैसे एक पक्षी किसी डाली पर बैठता है, डाली हिलती है, तो दिक्कत उसको डाली से नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो उड़ सकता है, डाली उसके वजन को झेल भी सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा ही अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, जैसे एक पक्षी को अपने पंखों पर होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक होगा संविधान का सेकंड पार्ट। तो बड़ा सेकंड वीडियो होगी आज की संविधान की। प्रारूप समिति ने पहली बार भारतीय संविधान का प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था, और दूसरी बार जो प्रकाशित किया था अक्टूबर 1948 में। तो इसके कुछ सेशन और कुछ वाचन हुए, तो उनके बारे में यदि हम बात करें, तो फर्स्ट सेशन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। सेकंड सेशन जो हुआ था 15 नवंबर 1948 से 7 अक्टूबर 1949। थर्ड सेशन हुआ 24 नवंबर 1949 टू 26 नवंबर 1949, और यहाँ पर संविधान पास हुआ था, यानी कि संविधान हमारे यहाँ पे बनकर तैयार हुआ, संविधान यहाँ पे लागू हो गया था। तो लागू नहीं हुआ था, लागू क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से अपना स्वाधीनता दिवस मनाते यहाँ पे आ रहे थे, तो इसलिए संविधान बनकर यहाँ तैयार हुआ, लेकिन यहाँ पे उसको लागू नहीं किया गया। जो 26 नवंबर 1949 था, तो उसमें कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, 50 अनुच्छेद। कुल सदस्य थे 284 जो उपस्थित थे, और अनुपस्थित थे 15 सदस्य। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पारित किया गया, और 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा चुना गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि इनको अपनाया गया दोनों को। गणेश वासुदेव मावलंकर इस समय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में ये सभा की गई थी। तो उस संविधान को बनने में जो टोटल समय लगा था, वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। मूल संविधान में क्या था, कुल अनुसूची थी 8 और कुल अनुच्छेद 395 थे, और इसमें भागों की संख्या थी 22। उस समय भाग कितने थे, 22। तो यदि हम इसमें वर्तमान में इनकी बात, वर्तमान में कुल अनुसूची हुई 12, 4 अनुसूचियों को बाद में ऐड किया गया है, और कुल अनुच्छेद हुए 465। और यदि हम भागों की बात करें, तो भाग भी अब हो चुके हैं, कितने भाग हो चुके हैं अब, 25। पहले 22 भाग थे और अब 25 भाग हैं जो वर्तमान में टोटल भाग हैं। तो यहाँ पे हम संविधान को आगे बढ़ाते रहेंगे ऐसे ही धीरे धीरे। तो बड़ा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होगा, कि संविधान कहाँ
कहाँ कहाँ से, कितने देशों से लिया गया है, तो उसके बारे में बेटे हम कल बात करेंगे। ओके, सभी का दिन शुभ हो।